तो हिंदी की बिजनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो उत्तर कुंजी जारी हो गई है, तो उस उत्तर कुंजी के अनुसार क्या क्या आंसर आयोग के द्वारा बताए गए हैं, तो चलिए हम उन आंसरों को देख लेते हैं। तो आज सहायक प्राध्यापक परीक्षा, क्रीड़ा अधिकारी, तो जितने भी पेपर ये 9 जून को हुए थे उन सभी की आंसर की आ चुकी है। तो चलिए हम उत्तर कुंजी के हिसाब से आंसरों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले विद्वान हैं, तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट है, रंभा मंजरी नाटिका किस जैन कवि की है, तो राइट आंसर है नयचंद्र सूरी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने खड़ी बोली को प्रथम बार कविता में स्थान दिया, यही कारण है कि ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, तो अमीर खुसरो के विषय में ये कथन किसका है, तो ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। नेक्स्ट है, हिंदी में नक्षिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस कृति से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है राउरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, तो ये विचार किसका है, तो ये विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट है, शरणागत कहु जे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्ही बिलोकित हान, तो रामचरितमानस में ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन जो है राम के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए पहली भक्ति बताई है, तो पहली भक्ति बताई है संतों का सत्संग। नेक्स्ट है, अटपटी बात तिहारो उधो सुने सो ही को है, हम अहिरी अबला सठ मधुकर तिन्हें जोग कैसे सोही। अब यहाँ पे जो खूंबी शब्द दी गई है, ये बुचू ही खूंबी आधरी काजर नकटी पहिरे बेसरी, तो ये जो खूंबी है इसका अर्थ आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है कान में पहनने का आभूषण। नेक्स्ट है, बिरह सचान भवे तन चाड़ा जियत खाए मुए नहीं छाड़ा, तो ये जो संचान शब्द आया है इससे क्या अभिप्राय है, तो इसका तात्पर्य है बाज। नेक्स्ट है, जैसे सुनहा कांच मंदिर में, तो इस पंक्ति में जो सुनहा शब्द प्रयुक्त हुआ है तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका तात्पर्य है कुत्ता। नेक्स्ट है, भारतेंदु युगीन साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य ना होकर मनुष्य की एकता समानता और भाईचारे का साहित्य भी है, यह कथन किसारोचक का है, तो ये कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युगीन काव्यधारा में भारतेंदु की वाजी का सबसे ऊँचा स्वर क्या था, तो है राइट आंसर देशभक्ति। नेक्स्ट है, जीर्ण जनपद काव्यखंड के खंड काव्य के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा की समस्याओं पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा, तो ये राइट आंसर है नाथुराम शर्मा शंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है, तो राइट आंसर है पद्य प्रसून, हरिओत जी की है। नेक्स्ट है, मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती है, तो ये पंक्ति किस कहानी से ली गई है, तो ये तीसरी कसम कहानी से ली गई है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की नशा कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है, तो ये भाग एक में संकलित है। नेक्स्ट है, चार खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं, तो ये कथन किसका है, तो ये शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट है, किस आलोचक ने स्वयं के बारे में कहा है, मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ है, तो राइट आंसर इसका नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, महाकवि निराला की कविताओं में बादल जो है किसका प्रतीक बनकर आया है, तो ध्वंस सृजन और क्रांति का। नेक्स्ट है, किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव रहता है, तो राइट आंसर है गौड़िये में। नेक्स्ट है, किस आचार्य ने समाधि एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु माना है, तो इसका राइट आंसर है राजशेखर। नेक्स्ट है, काव्यम सद दृष्टार्थ प्रतिकीर्ति हेतुत्वाद काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये कथन किसका है, तो ये कथन है वामन का।
नेक्स्ट है, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग बाटन बारे को लाग्यो जो मेहंदी को रंग। तो ये किसका उदाहरण है? उदाहरण अलंकार का। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1954 में। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है कल्पना पत्रिका। नेक्स्ट है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है तमका पहरा, प्रभाव गहरा है। तो ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ये कैदी और कोकिला से ली गई है। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी ने इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया था? तो राइट आंसर है प्रतीक। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? तो राइट आंसर है दूसरे सप्तक के। नेक्स्ट है, बुंदेली की स्वतंत्र काव्य परंपरा की वृहत त्रयी किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है ख्याली राम, ईसुरी, गंगाधर व्यास। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली जनपद का प्रतिनिधि कवि किसको कहा है? तो राइट आंसर है बैजनाथ पांडे बेजू को। नेक्स्ट है, रमा जह रकड़ा बांधा, तो इस बघेली लोक कहावत में रकड़ा शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है गाय का छोटा बच्चा। नेक्स्ट है, लोक कला एवं लोक बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा लोक संस्कृति पर केंद्र प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका है? तो इसका राइट आंसर है चौमासा। नेक्स्ट है, लोक एवं जनजातीय कलाओं को समर्पित आदिवर्त जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसका खजुराहो में, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निवड़ी बोली में किसकी प्रधानता है? तो इसमें बुंदेली की प्रधानता है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली में निम्नलिखित रचना प्रेम सागर के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर है लल्लू लाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नारी चेतना विषयक भारत की पहली पत्रिका होने का श्रेय किसको जाता है? तो बाला बोधनी को। नेक्स्ट है, निम्न में से हिंदी और उर्दू के संघर्ष में शुद्ध भारतीय संस्कारवती हिंदी को ही वास्तविक हिंदी रूप किसने माना है? तो राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, कबीर के बीजक की टीका महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव ने किस नाम से की थी? तो इसका राइट आंसर है पाखंड खंडनी के नाम से। नेक्स्ट है, यहाँ पर रचनाओं को उनके रचनाकारों से मिलान करना था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, इनकी भाषा बहुत चलती सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी, शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में था यह अत्यंत दुर्लभ है। तो शुक्ल ने यह किस रचनाकार के लिए कहा था? तो ये उन्होंने रसखान के विषय में कहा था। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना था, 44 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है जायसी के लिए रहस्यात्मकता कबीर की भांति साध्य, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बाज समानी, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि बोधा ने बोधा के अतिरिक्त किस नाम से रचना की है? तो राइट आंसर है बुद्धिसेन। नेक्स्ट है, भूषण को किस राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर है राजा रुद्र ने। नेक्स्ट है, झलके अति सुंदर आनंद गौर छके दृग राजत काननी छुवे, ये पंक्ति किसकी है? तो ये घनानंद की पंक्ति है। नेक्स्ट है, महामिचु दासी सदा पाई धोवे प्रतिहार फेंके कृपा सूर जोवे, तो रामचंद्रिका में ये कथन किसने किससे कहा है? तो रावण अंगद को ये कथन कहता है। नेक्स्ट है, उड़ी जाऊं कि तुहूँ तऊ उड़ी उड़ाए हाथ, तो यहाँ पे जो ये गुड़ी शब्द आया है इसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे इसका तात्पर्य है पतंग। नेक्स्ट है, कहानी नई कहानी पुस्तक में नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसको माना है? तो वो है परिंदे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम आनंदी लाल था? तो राइट आंसर है जैनेन्द्र। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक में अरुण या मधुमेह देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये गीत किस पात्र के द्वारा गाया है? तो ये कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास कृत कुमार संभव पर आधारित है? तो राइट आंसर है आठवां सर्ग। नेक्स्ट है, लेखक और उसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो राइट आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी सागर की लहरों पर। नेक्स्ट है, दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर
दोनों के एकीकरण यत्न का ही नाम साहित्य है। तो ये अकेला मेला से लिया गया है। नेक्स्ट है बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है कुमकुम। नेक्स्ट है अतिथि तुम कब जाओगे, ये किसका कृति है? तो ये जो है शरद जोशी की व्यंग रचना है। नेक्स्ट है मिला तेज से तेज, ये किसकी जीवनी है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। फिर यहाँ पर कौन सा युग्म असत्य है? तो मुक्तिबोध सृजन पीठ ये ग्वालियर नहीं, ये सागर में है। नेक्स्ट है लोकगीत को आर्यतर सभ्यता की वेद श्रुति ये किसने माना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट है लोक साहित्य में पवाड़ा शब्द निम्न में से किस विधा के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये लोक गाथा के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है बुंदेली साहित्य में नौरता निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है? तो ये एक त्योहार गीत है, नौरता यानी नवरात्रा। तो यहाँ पर इससे तात्पर्य क्या हो जाएगा, नवरात्रा को हम नौराता यहाँ पे कहते हैं, इसलिए ये एक त्योहार गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोक नाट्य को उनसे संबंधित क्षेत्र से मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन था ढोटियो या ठोटिया लोक नाट्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी ये बघेलखंड का लोक नाट्य है, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है लिपि नामक त्रैभाषिक कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो इसका राइट आंसर है CM हैदराबाद। नेक्स्ट है मानक हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो संज्ञा विशेषण और क्रियाओं में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन ना होना, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट है जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है तो ये किसका रूप ग्रहण कर लेती है? तो ये परिनिष्ठित भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट है संपर्क भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो संपर्क भाषा क्या है, जो अन्य लोगों से संपर्क में काम आए। नेक्स्ट है खड़ी बोली जिस प्रकार से दक्षिण में जाकर दक्षिणी हिंदी के नाम से प्रसिद्ध हो गई उसी प्रकार गुजरात पहुंचने पर इसका नाम क्या हो गया? तो इसका नाम गुजरी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन सी पुरोहित हरि नारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली के चार भाग है, ये कथन असत्य है। ठीक है, आगे यहाँ पर आपको सुमेलित करना था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे क्वेश्चन है सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवाद दिखाया गया है किंतु यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमालती। नेक्स्ट है नंददास की जड़िया उपाधि को सार्थक बनाने वाली रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रास पंचाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति के साधारण सिद्धांतों का कथन स्वामी हरिदास ने अपनी किस कृति में किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिद्धांत के पद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वस्तुवादी सिद्धांत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है औचित्य सिद्धांत। नेक्स्ट है शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्या व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्य दद्विदा हलादि कारणी, ये उद्भावना किस आचार्य की है? तो इसका राइट आंसर है कुंतक की। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कतहु विटप भूधर उपारी पर सेन बरखत कतहु बाजीत से बाजी मर्दी गजराज करखत, तो ये किस गुण का प्रयोग है इसमें? तो ओज गुण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम बताइए, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पेरिहुप्सुस। नेक्स्ट है महाकाव्य के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो उक्ति वैचित्य इसका प्राण तत्व है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट है विस्तृत पथ है मेरे आगे उस पर ही मुझको चलना है चिर शोषित असहायों के संग अत्याचारों को दलना है, तो ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये शिवमंगल सिंह सुमन की पंक्तियाँ है। नेक्स्ट है रमेश चंद्र शाह को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है सन 2004 में। अगले क्वेश्चन है तुलसी अकादमी के द्वारा किस प्रकार के विशेष कार्य किए जाते हैं? तो इसके द्वारा पांडुलिपियों का जो है संरक्षण किया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण सरल ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? तो देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इनके द्वारा 15 महाकाव्य लिखे गए हैं। नेक्स्ट है ब्रह्म राक्षस किस प्रकार की रचना है? तो ये एक लंबी कविता है। नेक्स्ट है मालवा की लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है श्याम परमार। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सी बुंदेली साहित्य की कहावत है? तो इसका राइट आंसर है उड़ो चुन पुरखन की नाव। ये जो है सही माना गया है आयोग के द्वारा। बाकी देख लीजिए आपके अनुसार इस क्वेश्चन पे क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है रामा जी रगैया ने रेल जातरी, ये किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर है आनंद राव दुबे। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का रेकड़ी वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये एक तत्व वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि किसको कहा है? तो इसका राइट आंसर है बाल कवि बैरागी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है, ये किस विद्वान का कथन है? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है रणमल छंद नामक काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है श्रीधर। नेक्स्ट है क्वेश्चन मिश्र बंधु विनोद के अनुसार प्रारंभिक काल समय सीमा कहाँ से कहाँ तक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 643 से 1387 तक। नेक्स्ट है बालचंद विद्यावई भाषा दुही नहीं लगई दुजन हासा, ये किस रचना से ली गई है? तो ये कीर्तिलता से ली गई है। नेक्स्ट है स्वयंभू ने पदड़िया पंथ का प्रवर्तक किसे कहा है? तो राइट आंसर है चतुर्मुख को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रिसालो लोकप्रिय काव्य किसका है? तो राइट आंसर है शाह लतीफ का। नेक्स्ट है भाषा के क्षेत्र में ट वर्ग का विकास किसके प्रभाव की देन है? तो ये राइट आंसर इसका द्रविड़। नेक्स्ट है निम्न में से आकार बहुला बोली नहीं है? तो राइट आंसर इसका कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत किस बोली का समावेश नहीं है? तो राइट आंसर है इसका मेवाती। मेवाती जो है बुंदेली के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है निम्न में से मध्यकालीन अवधि के रूप में मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? तो लोर कथा या फिर चंदायन कह ले। नेक्स्ट है पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रभाव है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। नेक्स्ट है मिश्र बंधुओं के अनुसार बिहारी सतसई में दोहों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 700। नेक्स्ट है तोपरवारों उर्वशी सुन राज के सुजान तू मोहन के उर्वशी में उर्वशी समान, तो यहाँ उर्वशी शब्द में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहारी के पिता केशव राय के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है नरहरिदास। नेक्स्ट है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है? तो शुक्ल जी ने ये किस कवि के लिए कहा है? तो ये उन्होंने घनानंद के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता शीर्षक से सरस्वती में प्रकाशित लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से लिखा था? तो इसका राइट आंसर है भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से। नेक्स्ट है श्रद्धा और ईरा और तानी औरतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, श्रद्धा और तानी औरतों के कुछ समीप है ईरा तो बिल्कुल नहीं, तो कामायनी की श्रद्धा और ईरा के संबंध में ये विचार किसका है? तो राइट आंसर इसका दिनकर। नेक्स्ट है निराला हिंदी साहित्य में नए मानवतावाद के प्रतिष्ठापक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कवि दिनकर की कौन सी कविता परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह में संकलित नहीं है? तो राइट आंसर है इसका विपथगम। नेक्स्ट है असाध्य वीणा जिस जापानी लोक कथा पर आधारित मानी जाती है उस कथा का नाम है टेमिंग ऑफ द हर्प, राइट आंसर है। फिर यहाँ पर आपको हिंदी संस्थानों से उनके प्रकाशन वर्ष से मिलाना था, तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी कंप्यूटिंग के संदर्भ में मंगल क्या है? तो मंगल जो है एक यूनिकोड फॉन्ट है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1961 में। नेक्स्ट है वेबसाइट www.hindisamay.com किस संस्था से संबंधित है? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किस अहिंदी भाषी ने रखा था? तो राइट आंसर है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगार ने। नेक्स्ट है पंत की काव्यकृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उनको क्रमानुसार लगाना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पल्लव गुंजन युगांत ग्राम्यान लोकायतन। नेक्स्ट है कवि और उनकी कृति में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान अपराजिता ये सुमिलित नहीं है।
नेक्स्ट है प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए मार्क्सवादी चिंतकों ने सैद्धांतिक स्तर पर साहित्य में प्रचार का समर्थन किया, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है तार सप्तक की भूमिका के आधार पर तार सप्तक में शामिल कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उनका दावा था कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है कवि और उसकी काव्य कृति की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुष्यंत कुमार पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, ये आगे की है। नेक्स्ट है सेज है, सुराही है, सुरा है और प्याला है, रीतिकाल का चित्रण करती उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है। तो ये पद्माकर की पंक्ति है। आगे है रीति काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी, यहाँ अलंकृत काल अंग्रेजी के किस शब्द के अर्थ में उपयुक्त हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्नेट की। नेक्स्ट है रीतिकालीन रचना करुणा भरण की विधा क्या है, तो ये एक नाटक है। नेक्स्ट है सेनापति के गुरु का नाम क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हीरामणि दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चिंतामणि के भाई नहीं थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृपाशंकर। नेक्स्ट है महान रचनाकार निर्व्यक्तिक होता है, कविता भाव की उन्मुक्त अभिव्यक्ति नहीं है, वह भाव से मुक्ति है, वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से मुक्ति है, किंतु निश्चय ही जिनमें व्यक्तित्व और भाव है वे ही यह जान सकते हैं कि उनसे मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। ये कथन किसका है, तो ये T.S. एलियट का कथन है। नेक्स्ट है अरस्तु की काव्यशास्त्र संबंधी कृति है, तो राइट आंसर है पेरिपोएटिकस। ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट पद रचना रीति, ये किस रचना आचार्य का सूत्र है, तो ये वामन का है। नेक्स्ट है औचित्य को काव्यात्म भूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षेमेंद्र। नेक्स्ट है भरत मुनि के अनुसार विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जुगुप्सा। नेक्स्ट है निराशावाद के भीतर आशावाद का संदेश देना, संसार की क्षणिकता में उसके वैचित्य का इंद्रधनुषी चित्र खींचना, इन सिद्धों की कविता का गुण था, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। नेक्स्ट है ललित विग्रह राज नामक नाटक के रचनाकार हैं, तो राइट आंसर है सोमदेव। नेक्स्ट है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग मानने वाले प्रथम विद्वान कौन है, तो इसका राइट आंसर है गिरिसन। नेक्स्ट है स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है मुनि जिन विजय ने हिंदी जैन परंपरा का आदि ग्रंथ किसे माना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भरतेश्वर बाहुबली रास को। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का की भाषा का वर्णन है, तो अनुच्छेद 348 में। नेक्स्ट है मैं हिंदी के प्रचार राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ, ये कथन किसका है, तो देखिए आयोग के द्वारा जो है इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माना गया है, जो कि गलत है। इसका आंसर जो है वो पुरुषोत्तम दास टंडन है, तो आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख वर्ग में आने वाले राज्य हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा परसर्ग मानक हिंदी को पुरानी हिंदी और उर्दू दोनों से पृथक करता है, तो राइट आंसर है नहीं। नेक्स्ट है एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर है 1905। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद ने हिंदी में व्याख्यान देना शुरू किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर है 10 मार्च 1883। अब इस प्रश्न में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि 1893 है ना कि 1883, तो सही सोर्स आपको मिल जाता है, तो इस पर भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नागरी वर्णमाला को मुख्यतः कितने वर्णों में विभक्त किया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लोक देवनागरी लिपि के नामकरण में लोकनागरी नाम किसने दिया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, तो ये अक्षरात्मक लिपि है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल परिमार्जित गद्य की पुस्तक किसे मानते हैं, तो राइट आंसर है भाषायोग वशिष्ठ को। नेक्स्ट है हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में उक्त कथन भारतीय हरिश्चंद्र ने किस में कहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालचक्र में। नेक्स्ट है सरदार पूरन सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं, तो राइट आंसर है इसका 8। तो देखिए इस प्रश्न पे भी आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सही सोर्स ढूंढना है, क्योंकि देखिए यहाँ ये
डाउट चल रहा है इस प्रश्न को लेके, मैं इसलिए आज इस पे वीडियो नहीं लेकर आई हूँ कि किस प्रश्नों पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो कल जो है मैं इन प्रश्नों को लेकर आऊँगी जिन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हो सकती है। तो देखिए, बच्चन सिंह की दूसरा जो बच्चन सिंह का जो दूसरा साहित्य का इतिहास है, सॉरी अभी नाम, उसमें आपको 8 मिलती है रचनाएं, इनके निबंध। सरदार पूरन सिंह के 8 निबंधों की बात जो है बच्चन सिंह के दूसरे इतिहास में हमें मिल जाती है, बच्चन सिंह का दूसरा साहित्य का जो इतिहास उसमें। लेकिन वहीं पे बच्चन सिंह की जो आधुनिक इतिहास है उसमें आपको 6 साहित्य निबंध मिल जाते हैं। तो इसलिए आप देखिए ऑथेंटिक सोर्स देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में देखिए, उस पर भी 6 निबंध बताए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, अब 8 दिया गया है, अगर ऑथेंटिक सोर्स है तो ठीक है, नहीं अगर आपको ऑथेंटिक सोर्स में अगर 6 निबंध लग रहे हैं तो आप इस प्रश्न को भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उपन्यास नाम से मासिक पत्र कौन निकालता था? तो इसका राइट आंसर है किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट है, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राइट आंसर है इसका 1968 ईस्वी। तो चलिए, ये थे वो सारे प्रश्न और उनके उत्तर जो कि आयोग के द्वारा माने गए थे। अब आपको जिन प्रश्नों पर क्लेम करना है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति की जा सकती है। बाकी जिन प्रश्नों पर मुझे लग रहा है कल मैं आपको उन प्रश्नों का संकलन भी लेके आऊँगी जिन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हो सकती है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप आपत्ति दर्ज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जिन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, और मैं भी उन सभी प्रश्नों का संकलन लेकर आऊँगी। और यहाँ आप सभी से भी कहूँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है करनी है क्लेम के लिए उन प्रश्नों को, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग क्लेम करेंगे उतना ही ज़्यादा उन पर वर्क किया जाता है, उन प्रश्नों को हटाया जाता है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।